हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन इलाकों में आने वाले 24 घंटों से तेज आंधी का प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन जिलों में आज बादल छाए रह सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल मौसम तक राजस्थान डीआरटी को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं। तो आइए दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं संपूर्ण फाट पर बने मौसमी सिस्टमों की। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक नया सक्रिय डब्ल्यूडी वर्तमान में देखा जाए तो कमजोर सक्रिय डब्ल्यूडी उत्तरी हिमालय क्षेत्रों के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और इसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के अंदर उत्तरी हिमालय क्षेत्रों से लगाकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ उत्तरी इलाकों में आपको बादल छाए रह सकते हैं। विशेषतः बीकानेर संभाग के कई इलाकों में आज सुबह से आपको हल्के बादलों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है और इसी डब्ल्यूडी के प्रभाव से देखा जाए तो जैसलमेर के पश्चिम में पाकिस्तान के आसपास एक सर्कुलेशन के रूप में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आने वाले 24 से 48 घंटों तक राजस्थान के पश्चिमी जिलों में तेज आंधी का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये दक्षिणी पश्चिमी दिशा से आने वाली आंधी का प्रभाव जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर से लगाकर नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों तक देखने को मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे सर्कुलेशन की बात करें तो ये उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़ते बढ़ने की संभावना है। जैसे जैसे आंधी का प्रभाव राजस्थान के मध्य भागों तक आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। यह प्रभाव 8 फरवरी से आज दोपहर से जैसलमेर के कई इलाकों में शुरू होते हुए देखने को मिलेगा और आने वाले 24 से 48 घंटों तक इसका प्रभाव जारी रहने की संभावना है। उसके बाद जैसे ही डब्ल्यूडी हटेगा तो फिर से राजस्थान में उत्तर पश्चिमी उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा और हल्का तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो लगातार डब्ल्यूडी आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों पर बने सर्कुलेशन के प्रभाव से जैसलमेर के इलाकों में आंधी का प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे ही डब्ल्यूडी हटेगा तो राजस्थान के सभी इलाकों में एक बार फिर से तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। आने वाले एक सप्ताह की बात करें तो राजस्थान के अंदर कोई विशेष बारिश की बारिश में बदलाव या मौसम में बदलाव या बारिश की गतियां देखने को नहीं मिलेगी। कोई हल्के बादलों की आवाजाही उत्तरी राजस्थान के इलाकों में आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर जरूर देखने को मिलेगी, परंतु कोई विशेष बारिश की गतियां इन क्षेत्रों में संभावित नहीं है। वर्तमान में देखा जाए तो किन किन इलाकों में घने बादल बने हुए हैं, बादलों की गतियों की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों में हल्के बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में आए डब्ल्यूडी के प्रभाव से इन क्षेत्रों में विशेष बादलों की गतियां देखने को मिल रही हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के कई इलाकों में हल्के बादल सुबह से ही छाए हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरी हिमालय क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में काफी घने बादल और इन क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर देखने को मिलेगी। डब्ल्यूडी की बात करें तो आने वाले एक सप्ताह तक लगातार 3 दिनों के गैप से एक के बाद एक डब्ल्यूडी आने की संभावना है, जिसके प्रभाव से हवाओं में बदलाव राजस्थान के सभी जिलों में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।